तो कैसे हैं दोस्तों, मैं किरण आप सबका दोस्त और होस्ट आज बताने वाला हूं दोस्तों आईपी एड्रेस के बारे में। कुछ आप लोगों को पता रहेगा या नहीं रहेगा उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। आईपी एड्रेस होता क्या है और कैसे काम करता है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, वीडियो अपडेट आप सबको मिलता रहे। तो जो आईपी क्या होता है मैं आज बताने वाला हूँ। आईपी एड्रेस होता क्या, मतलब टू वर्सन में आता है आईपी एड्रेस, मतलब स्कीम जो उसका स्कीम रहता है वो आईपी वर्सन का दो रहता है। जैसे पहला आईपी एड्रेस 4 होता है, उसके बाद आईपी एड्रेस 6 होता है। आईपी एड्रेस जो 4 है वो 32 बिट का एड्रेसिंग है और आईपी वर्सन 6 है वो 128 बिट का एड्रेसिंग है। अगर मैं उसके क्लासेस की अगर बात करूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं क्लास का, जो आईपी 192 168 या 10 डॉट या कोई भी बिट हम लोग यूज जैसे करते हैं, टोटल जो उसका आईपी एड्रेस का होता है, टोटल जो आईपी एड्रेस का होता है तो वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास ई होता है। अब हम लोग क्लास ए बी और सी जो यूज़ करते हैं हम लोग लैन एंड वैन में यूज़ करते हैं। बाकी जो क्लास डी है दोस्तों वो मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होता है, जो ज़्यादातर मीडिया सेक्टर में यूज़ होता है। बाकी क्लास ई की बात करें वो हम लोग के काम की है नहीं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। और अगर मैं रेंज की बात कर लूँ क्लासेस की, तो यहाँ क्लास ए का रेंज मतलब 0 से शुरू होता है और क्लास बी का 128 का, और क्लास सी जो हम लोग यूज़ करते हैं मतलब नॉर्मली 192 जहाँ से शुरू होता है वो अलग यूज़ होता है। क्लास डी का शुरू होता है 224 से और क्लास ई का 240 से शुरू होता है। अब उसकी जैसे हम लोग कैसे पता कर लें, मतलब कैसे रहता है इसका फॉर्मेट वगैरह कैसे रहता है बता दो। क्लास ए में दोस्तों पहले नेटवर्क, फिर होस्ट, तीन पहला नेटवर्क रहता है, बाकी तीन होस्ट में रहते हैं। जैसे मान लो एक आईपी हम लोग दिया है 192.168.1.1 कुछ भी देते हो, या 127.125.125.120, मतलब उसका होस्ट रहता है 255 जो रहता है उसका होस्टिंग में रहता है। वैसे ही क्लास ए का नेटवर्क होस्ट रहता है, फिर क्लास बी का नेटवर्क फिर होस्ट, उसके बाद क्लास सी में नेटवर्क फिर उसके बाद होस्ट में रहता है। अब बात कर लूँ दोस्तों दो टाइप का होता है, एक प्राइवेट आईपी रहता है मतलब पब्लिक में आईपी रहता है। क्लास ए का बी और सी में देखो तो वो प्राइवेट में चला जाता है जिसका मतलब 10.0.0.0 में आता है, और क्लास बी का 172.60.0.0, क्लास सी का 192.168.0.0 उसमें आता है। पब्लिक में जो यूज़ होता है पब्लिक के लिए वो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते नहीं है। तो बस यही था आईपी रेंज के बारे में थोड़ा बस बता दिया। आईपी एड्रेस जो हम लोग यूज़ करते हैं आईपी वगैरह हम लोग घर पे यूज़ करते हैं वो नॉर्मली हम लोग का आईपी 192.168. यही वाला रहता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर जाते हो कंपनी वगैरह में काम करते हो तो ये वाला आईपी आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। कहीं भी चेक कर सकते हो, आपको चेक करवाना है तो आप कंट्रोल पैनल पर जाके चेन सेटिंग में जाओगे तो आप लोग इंटरनेट लगाए हो, अगर वाईफाई से है तो वाईफाई से आप अपना आईपी चेक कर सकते हो, अगर ब्रॉडबैंड वगैरह कहीं पर लगा रखा है तो वहाँ चेक कर सकते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी वर्जन 6 तो वहाँ पे अपना आईपी शो करता है। अगर दिए हो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चले जाते स्टेटस में अगर देखते हो तो वहाँ आपका आईपी वर्जन 4 दिखाता है, 6 एनेबल नॉट एट एक्सेस बोल के दिखाता है। बस यही था आईपी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताऊँ, और कुछ जानना हो तो आईपी के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट जरूर करना, आपके लिए कुछ ऐसे ही लेके आता रहूँगा। तो आओ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, आप बिना लाइक के चले जाते हो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, हम लोग मिलके पड़े हैं कमेंट आप सबका, और हो सके तो नए दोस्तों को निवेदन चैनल सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।